तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसा आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा उसी तरीके का वीडियो अगर आप अपने फोटो का बनाना चाहते तो वो आप सिर्फ एक क्लिक में कैसे बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, सिर्फ एक क्लिक में ही आप इस टाइप के वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, उस टाइप का वीडियो बनाने के लिए आपको जरूरत होगी एक एप्लीकेशन की। दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम है एम्बिट म्यूजिक। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर एकदम फ्री में मिल जाएगा, और साथ ही दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको कर देना है इस एप्लीकेशन को ओपन। और दोस्तों, जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहां पर जैसा इंटरफेस देख रहे हैं वैसा ही आपको भी इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बहुत सारे गाने आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपके न्यू में कई सारे गाने हैं। इसके बाद दोस्तों पॉपुलर में हो गए, लव वाले हो गए, तेलुगु हो गए, जो भी आपको इसमें से गाना चाहिए वो गाने पे आपको क्लिक करना है, तो उसके सारे गाने जितने भी हो वो यहाँ पे नीचे आपको शो करेंगे। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको कोई गाना चाहिए तो वो गाना आपको डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको वो वाले गाने पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से वो आ जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर किस तरीके से वीडियो बनाना है वो आपको अब बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी कोई फोटो लगानी है, तो फोटो लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एड फोटो में जाना है, और यहाँ से आपको अपने जितने भी फोल्डर होगा यहाँ पे ऊपर की साइड पे आपको फोल्डर दिखेगा, इसमें जिसमें भी फोल्डर में आपका फोटो है वो फोल्डर आप सिलेक्ट करके वो फोटो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों, फोटो ऐड करने का दोस्तों यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा क्रॉप करना है तो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, अगर क्रॉप नहीं करना है तो आपको कर देना है डन। और जैसे ही डन करोगे ये फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको इसकी जो थीम है अगर वो चेंज करनी है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो जनरल मिल रहा है, ठीक है, आपको जनरल में जाना, तो यहाँ पर आपको इसके बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये वाला है, फिर ये वाला है, इसमें जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोई नाम लगाना है, ठीक है, नाम ऐड करना है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक पेंसिल का ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पर लिखा है एडिट टेक्स्ट, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको ये वाली थीम नहीं चाहिए, कोई और थीम चाहिए, तो आपको फिर से यहाँ बैक वाले ऑप्शन पर आना है, फिर यहाँ पर बर्थडे वाली थीम मिलेगी, लव वाली मिलेगी, गॉड की मिलेगी, स्मोक मिलेगी, बहुत सी थीम आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए नियोन की थीम भी, वो भी काफ़ी अच्छी है, तो उसमें हम चलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके अलग अलग टेम्पलेट मिलेंगे, तो दोस्तों ये वाला टेम्पलेट काफ़ी अच्छा है, फिर ये वाला है, तो इसमें से आपको जो भी पसंद हो वो वाला टेम्पलेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपको गाना चेंज करना है, तो गाना चेंज करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है ऐड म्यूजिक में। ऐड म्यूजिक में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसके पॉपुलर कुछ गाने आपको मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें से नहीं, आपको कोई अपनी जो फ़ोन में है उसमें से कोई गाना चाहिए तो उसके लिए आपको जाना होगा लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके जितने भी गाने के फोल्डर हो गए वो यहाँ ऊपर की साइड पर दिखेगा, उसमें से जिस भी फोल्डर में आपका गाना है वो वाला फोल्डर में चले जाइए। और जाने के बाद दोस्तों आपको उस गाने पर आपको टैप करना है। गाने पर टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 30-30 सेकंड के पार्ट देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई जो भी 30 सेकंड का पार्ट आपको चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो यूज़ लिखा है वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, तो जैसे ही क्लिक करोगे वो गाना यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब वीडियो को सेव करना है, तो यहाँ तो वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ तो जो सेव का जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर आपको जाना है, और इस यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ये जो वीडियो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों, जैसे यहाँ पर 100% हो जाएगा वो आपका वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप सिर्फ एक क्लिक में अपने फोटो से इस टाइप का वीडियो आप बना सकते हैं। और दोस्तों, मैं एवी प्लेयर के भी वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, अगर आप भी एवी प्लेयर के नए नए टेम्पलेट पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।